अब तक आपने सुना है कि घर किराए पर मिलते हैं, दुकान किराए पर मिलते हैं, कार बस किराए पर मिलते हैं। क्या कभी आपने सुना है पत्नियां भी किराए पर मिलती है? पर यह बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश अजब है, सच में गजब है। अपने सांस्कृतिक रंगों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश में एक जगह ऐसी भी जहां पत्नियां भी किराए पर मिलती हैं। सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे और हो सकता है आप यकीन भी न करें, लेकिन ये सच है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में घड़ी जांग नाम की प्रथा है, जिसके तहत आज भी कुंवारी लड़कियों से लेकर शादीशुदा पत्नियां तक किराए पर मिलती हैं। इसके लिए बाकायदा 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर पर करार भी होता है। यहां आने वाले पुरुष अपनी पसंदीदा महिला को एक रकम अदा करते समय के लिए किराए पर ले जाते हैं। घनीचा के लिए हर साल एक तय समय पर औरतों मंडी लगती है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से खरीदार और पुरुष आते हैं। यहाँ कुंवारी लड़कियों के अलावा शादीशुदा महिलाओं को भी लाया जाता है। सबके चाल चलन देखकर उनकी रकम तय होती है और खरीदार एक निश्चित समय सीमा के लिए लड़कियों या महिलाओं को अपनी पत्नी बनाकर ले जाते हैं। इस बीच बच्चा वारिस हुआ तो उसे पुरुष उसे अपने पास रख लेता है, नहीं हुआ तो औरत को लौटा देता है या आपसी सहमति से एग्रीमेंट को रिन्यू करवाया जाता है। इस मंडी में पत्नियों की कीमत 15,000 रुपए से शुरू होती है। मजे की बात देखिए कि आज एक बहन का स्मार्टफोन भी 15,000 में नहीं आता, लेकिन इतने ही रुपए में एक जीती जागती औरत को किराए पर उठा सकते हैं और वह भी पूरे एक साल के लिए। ये कीमत सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। 15,000 रुपए से शुरू होने वाली कीमत कई बार 4 लाख रुपए तक पहुँच जाती है। बाहरी पुरुष एक साल या उससे कम समय के लिए रकम अदा कर पत्नी को किराए पर ले जाता है। पुलिस और प्रशासन को इसकी मौखिक जानकारी है, लेकिन कोई लिखित शिकायत न आने की वजह से पुलिस और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। यह अलग बात है कि भारत का संविधान स्वतः संज्ञा लेने का भी हक देता है। महिलाओं की अस्मिता और अस्तित्व से खिलवाड़ करती इस प्रथा को स्थानीय सामाजिक मान्यता प्राप्त है। कितनी अजीब बात है, लोग जानवरों के अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, मगर इन महिलाओं के लिए आज तक किसी संस्था ने आवाज नहीं उठाई। शायद ये जानवरों से भी बदतर है, ना ही इस प्रथा का कभी विरोध किया है।